वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग बता दूं, मध्य प्रदेश युवाओं के लिए सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2023 के बारे में। सबसे बड़ी खबर है, आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। 10वीं 12वीं के पास युवाओं के लिए सीधी भर्ती का जो है निकाली जा रही है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और जाने संपूर्ण जानकारी। और संपूर्ण जानकारी के बाद करने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, कब आप लोग का फॉर्म निकलने वाला है, कैसे अप्लाई करेंगे और आप लोग की फीस क्या लगने वाली, सभी इस वीडियो में आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी रिलेटेड आप लोग ग्राम पंचायत भर्ती रिलेटेड अपडेट आएगी, न्यूज आएगी, तो आप लोग को इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए अभ्यर्थी 10वीं या 12वीं कक्षा के लिए उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 2023 का जो है नोटिफिकेशन जो है जल्द ही निकाला जाएगा। किसके द्वारा निकाला जाएगा? ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा निकाला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश पंचायत विभाग द्वारा निकाला जाएगा। ऐसी न्यूज आ रही है कि आप लोग अक्टूबर में, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 15 से जहाँ तक है आप लोग का आचार संहिता लग जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले पहले आप लोग का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं उसका जो है आप लोग का जो है भर्ती हो जाती है। यदि नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तो भर्ती रुक जाती है, उसके बाद आचार संहिता के बाद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किए जाते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, बहुत जल्दी भर्ती आप लोग की आने वाली है। MPPSC का कैलेंडर जारी हो गया, अभी व्यापम कुछ ना कुछ उसमें जारी करने वाला, कमिंग सून अपडेट कर रहा है अपने साइट पे, तो बहुत सारे भर्तियां मध्य प्रदेश में निकलने वाली हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में सीधी होने वाली भर्ती काफ़ी आसान कर दी है। 10वीं 12वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण हो और जो विभाग द्वारा बताए गए उम्र की पात्रता के अनुसार हो, उस नोटिफिकेशन अनुसार भर्ती प्रक्रिया चालू हुई। अभी उम्र नहीं बताई, उम्र कितनी रहने वाली है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं जरूर रखा गया। 10वीं 12वीं पास हुए तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ इसमें बताया गया कि जो आप लोग का फॉर्म होगा, इस बार ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रखा जाएगा। आप लोग पंचायत में भी जमा कर सकते हैं और अपने घर बैठे लैपटॉप और डेस्कटॉप के माध्यम से आप लोग ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। जहां तक ऐसी भी न्यूज आ रही है कि इस बार ऑफलाइन फॉर्म जो है बंद कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आप लोग को ऑनलाइन, कहीं भी आप लोग हो मध्य प्रदेश से, तो आप लोग फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, रोजगार जो सचिव मध्य प्रदेश सचिव भर्ती निकल रही है, इसमें 50% जो है रोजगार सहायकों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। कितने? 50% जो है रोजगार सहायकों के लिए भर्ती रखी गई है। पूरी भर्ती सचिवों के लिए, पंचायत सचिव के लिए नहीं दी जाएगी, रोजगार सहायक के लिए 50% भर्ती रखी गई है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, यानी रोजगार सहायकों की भर्ती भी आने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली, 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। अभ्यर्थी की उम्र 18 से 45, ध्यान देंगे 18 से 45 के बीच होनी चाहिए, यानी 45 वर्ष से ज़्यादा है तो भी आप लोग को कंसेशन मिलता है, यानी छूट मिलती है, तो भी 18 से 45 होने तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास उसका वोटर आईडी कार्ड अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर चयनित होने के बाद उसकी नियुक्ति स्थान तय किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस पंचायत में भर्ती दी जाती है तो वहाँ का वोटर आईडी आप लोग को होना अति आवश्यक है। यदि वोटर आईडी नहीं है तो आप लोग बनवा लीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन के वक्त वर्ग का लाभ लेता है तो उसके पास उसकी जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। यदि आप लोग SC ST OBC या EWS से आते हैं तो आप लोग पास जाति सब कुछ, EWS वाला सर्टिफिकेट नहीं लगता, ST SC OBC के लिए आप लोग जाति प्रमाण पत्र भी नहीं है तो बनवा लीजिए। वो हो सके तो आप लोग सेंट्रल वाला जो डिजिटल वाला हो गया उसको बनवाने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा मान्य किया जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, अभ्यर्थी के उसी स्थान का आधार पर आवेदन कर सकते हैं जो उनका मूल निवास और उनके वोटर आईडी कार्ड के अनुसार रजिस्टर किया गया है। सभी दस्तावेज प्रमाणिक की जांच के बाद ही आवेदन मान्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उसी वहाँ का आधार नंबर और उसी का वोटर आईडी उसी पंचायत का होना चाहिए, तभी आप लोग मान्य हो सकते हैं। वैसे आप लोग के जो है फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है। और साथ साथ आप लोग को एक बात और बता दूँ, आप लोग को व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया गया है, व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाए हैं, व्हाट्सएप पर जो भी न्यूज़ आती है आप लोग को वहाँ पर शेयर की जाती है। तो व्हाट्सएप पर जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो व्हाट्सएप की लिंक हम चैनल की लिंक इसी वीडियो के नीचे दे देंगे, वहाँ पर आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक जो है यहाँ पर हम वीडियो के नीचे दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। या यस एकेडमी चैनल पे आप लोग पता होना चाहिए, व्हाट्सअप ने चैनल लॉन्च किया है, तो यस एकेडमी आप लोग सर्च करेंगे तो वह चैनल आप लोग के सामने निकल के आ जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल पर लोगो लगा है उसी टाइप का वहाँ पर भी लोगो लगा है, ठीक है। और आप लोग के जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आप लोग की भर्ती जाएगी, आवेदन वक्त अभ्यर्थी को अपनी 10वीं 12वीं परीक्षा मार्कशीट जमा करनी होगी। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर अपनी 10वीं 12वीं मार्कशीट जमा करनी होगी। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती के लिए
चयनित विद्यार्थियों की प्रवेश सूची उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा प्राप्त अंकों के एग्रीमेंट के आधार पर होगा। यानी आप लोग की एग्जाम नहीं लिया जाए, सीधी भर्ती होने वाली है। दसवीं और बारहवीं के जो मार्क्स होंगे उसको नंबर मिला के आप लोग की जो है एग्रीमेंट तैयार किया, जो टॉप पर रहेगा उसी पर इस भर्ती को जो है यानी दसवीं बारहवीं का जो नंबर जुड़ेगा, फिर आप लोग के जो है टॉप 10 में टॉप 20 में जितनी पोस्ट रहेंगी उसके अनुसार आप लोग की रैंकिंग निकाली जाएगी। अब मध्य प्रदेश पंचायत से जो भर्ती के रिक्त पदों की 25% वैकेंसी के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो सचिव के लिए रिक्त पद होंगे, जितने भी रिक्त पद होंगे उसके लिए 25% पद जो होंगे उसके लिए रखे जाएंगे जो वेटिंग में रहते हैं। वेटिंग भी इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, यानी जो छोड़ देते हैं उसके पीछे जो उनका नंबर रहेगा वेटिंग में उनको इस भर्ती में मौका दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात बोला गया है। और चयनित के विद्यार्थियों को नियुक्ति स्थान प्रदान किया जाए। इच्छुक अभ्यर्थियों के बता दें कि अभी संशोधन के बाद पंचायत सचिव भर्ती चयनित विद्यार्थियों को मूल निवास स्थान पर नियुक्ति नहीं प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, अब कुल कुछ नियम आए थे। पहले यह था कि जिस पंचायत में है उसी में सचिवों की नियुक्ति दे दी जाती थी, अब उस पंचायत में रोजगार सहायकों को भी और पंचायत सचिवों को भर्ती नहीं दी जाएगी। दूसरे पंचायत में आप लोग को जाना पड़ेगा, दूसरे पंचायत में आप लोग की नियुक्ति दी जाएगी, अपने ही पंचायत में नियुक्ति आप लोग को जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। और आप लोग बता दो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप लोग जुड़ सकते हैं, दोनों की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एमपी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुसार एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। जनरल ओबीसी के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग जहां तक 500 रहने वाली है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250, एसटीएससी के लिए 170, महिलाओं के लिए 150 रहने वाली है। तो ये रहे महत्वपूर्ण न्यूज़। कुछ आप लोग का डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का डाउट जो है क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।